बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज है तारीख 6 मई 2022, दिन है जुमा। आप सबको सव्वाल महीने की पहली जुमा मुबारक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यूज कनेक्शन सऊदी अरबिया। मैं हूँ रहमत अली, लेकर हाजिर हूँ आज का नया अपडेट आपके लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सऊदी पासपोर्ट डिपार्टमेंट जवाजात से एक व्यक्ति ने सवाल किया, अगर किसी व्यक्ति का फैमिली विजिट वीज़ा एक्सटेंशन करवाना चाहे तो उसे क्या करना होगा। इस सवाल को के जवाब देते हुए जवाजात ने कहा, पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं कि आपने इतना अहम सवाल किया जो कि सभी विजिट वीज़ा पर आए हुए विज़िटर को पता होना ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति अपना फैमिली विज़िट वीज़ा एक्सटेंशन करवाना चाहता हो तो कम से कम वीज़ा एक्सपायर होने से एक सप्ताह पहले या उससे कम दिनों में वीज़ा एक्सटेंशन करवाने के लिए अप्लाई करना होगा। जो वीज़ा का एक्सपायरी डेट हो उससे 4-5 दिन पहले वीज़ा एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट करना चाहिए, तभी यह प्रक्रिया संभव है। अन्यथा उसे वीज़ा एक्सपायर होने से पहले किंगडम को छोड़ देना चाहिए। फैमिली विजिट वीज़ा में एक्सटेंशन तभी संभव है जब वीज़ा एक्सपायर होने से एक सप्ताह पहले या उससे कम दिनों में रिक्वेस्ट किया गया हो। पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने दूसरे पहलू को भी हाईलाइट कर बताया, उस पर किसी प्रकार का ट्रैफिक वायलेशन या और भी किसी प्रकार का वायलेशन नहीं लगा होना चाहिए। साथ ही वैलिड पासपोर्ट और वीज़ा एक्सटेंशन का फीस जमा होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति वीज़ा एक्सपायर होने के बाद फैमिली विजिट वीज़ा या अन्य किसी प्रकार के वीज़ा को एक्सटेंशन करने के लिए अप्लाई करता है तो यह प्रक्रिया संभव नहीं है। आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि हम सऊदी अरबिया से रिलेटेड डे बाय डे लेटेस्ट न्यूज़ को पब्लिश करते रहते हैं। जो भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट पे हज, उमरा, एकामा, बैंक, अफसर प्लेटफॉर्म, एतमन्ना ऐप, तवक्कलना, बूस्टर डोज वैक्सीन, जिस तरह का भी अपडेट जो सऊदी गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल चैनल से रिलीज करता है, हम डे बाय डे अपने इस चैनल पे लेटेस्ट न्यूज़ को पब्लिश करते रहते हैं। तो आप भी अगर अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियो को लाइक कर दे और इस वीडियो को और भी जो लोग जो दोस्त सऊदी में रहते हैं उनके साथ शेयर कर दे, ताकि उनको भी यह लेटेस्ट जानकारी मिलता रहे। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।